7 करोड़ की लागत से बेड़ों में बनेगा जल मिनार, कहा विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने। राज्य सरकार विकास के प्रति कृत संकल्प है, योजनाओं को धरातल पर साकार करना हमारी प्राथमिकता है। यह बातें विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कही। वे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग बेड़ों के परिसर में मंगलवार को जल मीनार के शिलान्यास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। उन्होंने संयुक्त रूप से 7 करोड़ की लागत से बनने वाली जल मीनार का विधिवत शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस जल मीनार की क्षमता 2,20,000 लीटर का होगा, वहीं 29 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाया जाएगा, साथ ही 1,350 से भी अधिक घरों में जलापूर्ति की जाएगी। इसके बनने से ग्रामीणों को पेयजलापूर्ति का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनका वर्षों से लंबित सपना साकार होगा। यह योजना कालांतर में ग्रामीणों के लिए वरदान बनेगा। वही विभाग के कनीय अभियंता विजय मिंज ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 7 करोड़ की लागत से इस जल मीनार का निर्माण किया जाएगा। इसके बनने में 9 माह लगेंगे, साथ ही 3 माह इसका ट्रायल की। सोना न्यूज भेड़ों से राज रोय की रिपोर्ट। हम यहाँ पे एक नया पानी टंकी का शिलान्यास करने के लिए और ग्रामीणों को पानी सप्लाई करने वाली योजना को हम लोगों ने शिलान्यास किया है। ये लगभग 7 करोड़ रुपए के लागत से यहाँ पे कम्प्लीशन करना है। 9 महीने का कम्प्लीशन पीरियड भी है और ये योजना काफ़ी समय से लंबित था और मुझे लगता है यही एक टंकी है जिसके भरोसे में आसपास के बेड़ों के लोग हैं और अब इसको इतना दुरुस्त किया जा रहा है कि पहली बात तो 2.2 लीटर का ये पूरा टंकी बनेगा। साथ ही साथ जो अभी पानी का सप्लाई होता है 10 किलोमीटर के रेडियस में होता है, तो उसको बढ़ा के 30 किलोमीटर का रेडियस किया जाएगा। मुझे लगता है बेड़ों खास के लिए, बेड़ों के जनता के लिए ये बहुत ही एक बड़ा उपलब्धि भी होगा। ये मोटा मोटा ही लगभग 7.5 करोड़ की योजना है और इसका जो बनने का समय है 9 महीने में बनना है और 3 महीना इसका ट्रायल के लिए। आपका जो है 1,350 हाउस होल्ड के लिए अभी हम लोग को प्रपोज्ड है यहाँ पे, जो आपका बेड़ो और बाल्डी जो गांव है इसको कवर करेगा। इसमें मोटा मोटा हम लोग का है 29 किलोमीटर का पाइपलाइन बिछाने का प्रोविज़न है और जो पानी का सोर्स है जहाँ से हम लोग पानी लेंगे वो ज़मीनी पानी, जिसमें कि हम लोग को 5 HYGPT लेना है, जो कि ये हम लोग का कैंपस है इसके आसपास होगा। और इसमें जो हम लोग का जल मीनार है, जो पहले पूर्व में जल मीनार हम लोग का 55,000 लीटर का था, जो अब इसमें जो अब बनेगा नया वो आपका 2,20,000 लीटर का जो कैपेसिटी का टंकी बनेगा। कहने का मतलब है वो मान के चलिए पूर्व में बना है और पूर्व में जनसंख्या कम थी, वो जनसंख्या आधार पे थी, अब जनसंख्या बढ़ गई है उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है।